इमली की सब्जी तो आप सबने बहुत बार बनाई भी होगी और खाई भी होगी, लेकिन आप इस तरह से इमली की सब्जी बनाओगे तो सब लोग बार बार मांग के खाएंगे। इतनी सुपर टेस्टी और डिलीशियस बनके तैयार होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ निधि। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टफ्ड इमली की सब्जी की रेसिपी। आज हम इमली को बिना स्टफ किए बनाने वाले हैं। इमली बहुत ही छोटी छोटी होने की वजह से इसे स्टफ करना बहुत ही मुश्किल होता है और झंझट वाला काम लगता है, इसीलिए आज हम बिना स्टफ किए इमली की सब्जी को बनाएंगे। तो चलो फ्रेंड्स, इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करें। स्टफ्ड इमली की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इमली लेंगे। इसे कई लोग कुंदरू भी बोलते हैं और टिंडोड़ा भी बोलते हैं। इमली को यहाँ पे मैंने पानी से धो के सूखा लिया है। इमली जब हम सब्जी मंडी में से लाए तभी हमें इसे पतला पतला वाला ही चॉइस करके लाना है, इसके अंदर सीड नहीं रहता है। हम जो मोटा वाला लाएंगे तो इसके अंदर सीड रहता है, इसीलिए हमें पतला वाला ही चॉइस करके लाना है। इसका ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन हम हटा देंगे और प्लस के निशान में इसे कट कर लेंगे। इसी तरह से मैं सारी इमली को कट करके तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सारी इमलियों को कट करके तैयार कर लिया है। अभी हम इमलियों को फ्राई करेंगे। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई के अंदर ऑयल डाला है और अभी हम इसे फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है और मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। इस तरह से इमली को फ्राई करके हम डालेंगे सब्जी के अंदर तो सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। इमलियों को फ्राई करते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गई है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इमली फ्राई होके श्रिंक हो चुकी है। अभी मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और सारी इमलियों को प्लेट के अंदर निकाल देती हूँ। अभी मैं इमली को साइड में रख देती हूँ और यहाँ पे मैंने एक मिक्सर जार लिया है और इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून जितनी पीनट्स यानी कि मूँगफली और 2 टेबलस्पून जितना दालिया डालेंगे और 2 टेबलस्पून जितने तिल को डालेंगे। और यहाँ पे ये ड्राई कोकोनट है, इसकी स्लाइस करके मैंने डाला है। इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में क्रश करेंगे और इसका हम पाउडर तैयार करेंगे। पाउडर यहाँ पे हमें दरदरा ही बनाना है। अभी इसे भी हम साइड में रख देते हैं और जो कढ़ाई के अंदर हमने इमली को फ्राई किया था वही कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर से एक्स्ट्रा ऑयल को हटा देंगे। ऑयल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जितनी राई को और 1 टेबलस्पून जितना हम डालेंगे जीरा, 1 तेज़पत्ता डालेंगे और करी लीव्स डालेंगे और 2 मैंने साबुत मिर्चियों को डाला है। सब मसाले को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई हो जाने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे टोमेटो प्यूरी को। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए थे और टमाटर को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में क्रश करके इसकी प्यूरी तैयार की है। इसे हम इसके अंदर डालेंगे। अभी हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जितना कश्मीरी मिर्च लिया है जिससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा और 1/4 TSP जितना हम डालेंगे हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून जितना धनिया जीरा पाउडर, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और 1 टेबलस्पून जितना हम डालेंगे गरम मसाला। अगर आपके पास किचन किंग मसाला है तो वो भी आप डाल सकते हो। अगर आपके पास किचन किंग मसाला या गरम मसाला दोनों में से एक भी नहीं है तो आप पाव भाजी मसाला डाल दीजिए तो भी सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। सबको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। यहाँ पे हमें टमाटर और मसाले को बहुत ही अच्छे से पकाना है। जब तक इसमें से ऑयल रिलीज ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अंदर से ऑयल रिलीज हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर डालूँगी 1/4 TSP जितना हींग को। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका कलर कितना बढ़िया लग रहा है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे जो मिक्सर जार के अंदर हमने दरदरा पाउडर बना के तैयार किया है वही हम इसके अंदर डाल देंगे। सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से दरदरा पाउडर डालने से इसकी ग्रेवी की थिकनेस बहुत ही अच्छी आएगी। अभी मैं इसके अंदर डालूँगी 1 कप जितना पानी। सबको अभी मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे ग्रेवी मुझे थोड़ी थीक लग रही है तो मैं इसके अंदर 1/2 कप जितना पानी और डाल देती हूँ। अभी मैं फिर से इसे मिक्स कर लेती हूँ। अभी हम डालेंगे फ्राई की हुई इमली को। इमली को मैंने प्लस के निशान में कट किया था जिसकी वजह से इमली के अंदर पूरी सब्जियों का फ्लेवर बैठ जाएगा। अभी मैं ढक के इसे 4 से 5 मिनट तक कुक करूँगी। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे जिससे बॉटम के अंदर सब्जी हमारी चिपकेगी नहीं।
चार से पाँच मिनट हो चुकी है, अभी हम सब्जी को चेक कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सब्जी में से ऑयल रिलीज़ हो चुका है और यहाँ पे ग्रेवी भी हमारी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अभी हम गैस ऑफ कर लेंगे। अभी मैं सब्जी के ऊपर फ्रेश धनिया को डाल देती हूँ। यहाँ पे हमारी सुपर टेस्टी भरवा टिल्ली की सब्जी बनके तैयार है। इसे मैं अभी सर्विंग प्लेट में निकाल देती हूँ। ये सब्जी को आप पूरी, पराठा और रोटी के साथ सर्व कर सकते हो। ये सब्जी को आपने कभी भी ट्राई नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके फैमिली मेम्बर इसे बहुत ही पसंद करेंगे और उंगलियां चाट के खाएंगे। इतनी सुपर टेस्टी और डिलीशियस ये सब्जी बनके तैयार होती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप मेरी चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपने अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो ही मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी। तो मैं निधि आपको फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी कुकिंग।